तो बागेश्वर धाम के सरकार जो इस वक्त विवादों में है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनके बारे में सबसे ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है, बाबा पर्ची कैसे बनाते हैं, बाबा किसी का बैकग्राउंड कैसे जान लेते हैं, बाबा के हाथों में छोटी गदा जिसे वो वाईफाई कहते हैं, वो है क्या? सच में छोटी गदा है या क्या है? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति है या बाबा ने ठगने का हथियार बना रखा है? बाबा का दरबार लगता कैसे है? बाबा के दरबार में जो भीड़ आती है वो सब फिक्स्ड होती है, पैसे लेकर बुलाई जाती है, नाम पहले लिखकर बुलाए जाते हैं या ये लोग अपने आप आ जाते हैं? अगर अपने आप आ जाते हैं तो हजारों लोग कैसे आ जाते हैं? बाबा के दरबार का एक एक तिलिस्म आज खोलते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में, देखिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कैसे अपने इष्ट से कनेक्ट करते हैं बागेश्वर धाम सरकार? क्या तुम्हारे हनुमान जी सीनियर है, बाकी जूनियर है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हनुमान जी समान है। फिर बागेश्वर धाम की महिमा क्यों बार बार बता रहे हैं? देखो भाई, हवा तो सब जगह है। हाँ जी अना जी, यहाँ हवा है तो पड़ोसी के पास भी है, बगल के गांव में भी है, दूसरे शहर में भी है, दूसरे प्रदेश में। हवा सब जगह है, यहाँ लोग बैठे हवा सब जगह, पर जो पंखा के नीचे बैठा है उसे ज्यादा हवा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं, संत जहां तपस्या करते हैं वहां हनुमान जी खेलने लगते हैं, यही हनुमान जी का प्रताप है। कैसे अपने भक्तों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? एक बात और, अगर तुम केवल पर्चा और चमत्कार के चक्कर में आए हो तो गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मेरे पागलो। तुम्हारी एक समस्या के बारे में अगर हम लिख भी दें और हमें लगता हमारे हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सहज बस खेल है। हाँ बता देना, हमारे हनुमान जी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे लिए बड़ी बात हो सकती है, हमारे लिए तो खेल है। कैसे दरबार में बैठे लोगों के दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा? ये उनके लिए है जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, उनकी ठटरी। उनके लिए एक अद्भुतता का विषय है कि भाई चलो एक व्यक्ति के बारे में हम पता कर सकते हैं, दो व्यक्ति के बारे में, पर कोई 100-100, 200-200 लोगों की अर्जी के बारे में कैसे बता सकता है? वो भी 100 में 100% सत्य। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क, यही बालाजी की कृपा है। लेकिन एक बात है, लेकिन भारत के इतिहास में एक और हुआ, भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी धर्म का दरबार इतना एक्सपोज नहीं हुआ है। हुआ, लेकिन भारत के इतिहास में बागेश्वर बालाजी की पूंछ घूमी है। बागेश्वर धाम सरकार के तिलिस्म का क्या है राज? बाबा की पोटली, बाबा का मुगदर, बाबा का कोकोनट कप, बाबा की पर्ची, बाबा की टोपी, बाबा का हार, बाबा का भेष, बाबा की कलम, बाबा की अंगूठी, बाबा की कार, बाबा को अपने इष्ट से एक्सेस की पावर यहीं से मिलती है। बाबा को चमत्कारी बनाने वाले आदेश भी यहीं से आते हैं। कह सकते हैं कि बाबा की ये 10 चीजें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तिलस्मी बाबा बनाती हैं। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैसे, तो सबसे पहले बात करते हैं तिलस्म नंबर 1 की, बाबा की पोटली। कपड़े का ये बैग है बाबा के कंधे पर लटका रहता है। बाबा जहां जाते हैं इस पोटली को लेकर जाते हैं और ये पोटली बाबा की तिलस्मी पोटली है। इस पोटली में बाबा की पावर का सबसे बड़ा यंत्र रखा रहता है, वो तिलस्मी कलम भी इसी में रहती है जिसमें बाबा
पर्ची पर अपने इष्ट के आदेश को लिखते हैं। नहीं भी बुलाएंगे तो चिंता मत करिए, आज सबकी सामूहिक अर्जी लगेगी, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र भर का जाप करना है, इतने में ही आपका काम सफल हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने दाई ददा की, हो सकत गुरु जी का कॉन्टेक्ट सर्वलाइंस में हो, अब इतनी बुद्धि नहीं लगाऊ कि लाखों लोगों का कैसे कोई पता लगा सकता है, इतना इन्हें ज्ञान नहीं है, किसी के दादा परदादा का कैसे निकाल सकता है, और किसी के आशिक का नाम तो बहुत गुप्त रहता है, इलू इलू वाले का ये कैसे निकल आता है, लेकिन अब दुनिया है उसे क्या समझाएं, इनको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है, जो भगवान के लिए प्रमाण पत्र मांगे उनकी ठट दी। लेकिन इस पोटली में रखा वो यंत्र कौन सा है जो सीधे बागेश्वर धाम सरकार को उनके इष्ट से कनेक्ट कर देता है, तो वो है बाबा का तिलिस्म नंबर 2, बाबा का मुग्धर। लेकिन इस मुग्धर में ऐसा क्या है, दिखने में तो ये एक छोटी सी गदा है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि ये सिर्फ मुग्धर नहीं है बल्कि ये उनके इष्ट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने वाला वाईफाई एंटीना है, और जैसे ही बाबा इसे अपने सिर पर 6 बार घुमाते हैं वैसे वैसे तरंगे प्रवाहित होती हैं। दावा तो यह है कि मुग्धर में हमेशा तरंगे प्रवाहित होती हैं। ये कोई साधारण तरंगे नहीं होती, हनुमान जी की शक्तियों की तरंगे होती हैं। इन्हीं तरंगों से ही उन्हें ताकत मिलती है जिसके दम पर वो लोगों की समस्याओं को हल कर पाते हैं। नहीं, हनुमान जी का अवतार थोड़ी अपने इष्ट का वो अस्त्र शस्त्र है, हम तो अपने इष्ट की याद के लिए लेते हैं, हम कोई हनुमान जी, हम महात्मा ही नहीं है, हम कोई साधु नहीं, हम कोई चमत्कारी व्यक्ति भी नहीं है, हम कोई भगवान नहीं, साधारण आम इंसान है, जैसे अन्य दुनिया में आप हैं वैसे हम हैं, बस हम पर गुरु कृपा है यूं कह सकते हैं। अब आप पर है ये आपकी पर्सनल विषय, हम पर गुरु कृपा है, हम पर बालाजी की कृपा है, आपके मान्य ना मान्य से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम ईश्वर हैं, ना हम कोई चमत्कारी आदमी हैं, ना हम कोई बहुत बड़े साधु हैं, ना हम कोई भगवान हैं, हम एक साधारण इंसान, आम इंसान, गांव के एक छोटे से हैं, पर सच्चे बागेश्वर बालाजी के दास हैं। आपने देखा होगा बागेश्वर धाम सरकार अपने दरबार में प्रवचन शुरू करने से पहले इस तिलस्मी मुग्धर को घुमाते हैं और फिर अपने इष्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। हो गई जय जय, भाई भाई में सिग्नल आ गए, आओ आओ आओ, अब भाई भाई हम आओ बोलन लगो, जो भी हमें मन में प्रेरणा लगेगी हम आपको बुलाएंगे, और ना समझ में आए तो आप टोक दीजिएगा, और जो भी गलत लगे आप टोक दीजिएगा, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा और लाखों लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का पाप लगेगा। बाबा की पावर एक्सेस का तीसरा तिलिस्म है ये कोकोनट कप। अब आप सोचते होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो बाबा अपने हर दरबार या हर इंटरव्यू से पहले इसके भीतर मिले पेय को पीते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई साधारण नारियल का कप नहीं है, इसमें चाय पीने से उनकी इनर एनर्जी बूस्ट होती है, उनके अंदर शक्तियों का प्रवाह होता है और इससे उनको भक्तों और प्रभु से कनेक्ट करने में मदद मिलती है। इंडिया टीवी से इंटरव्यू से पहले भी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नारियल के इस तिलस्मी कप में चाय पी, और जैसे जैसे वो चाय पी रहे थे उनके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे, और जब नारियल की कप की चाय उन्होंने खत्म की तब उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया। नारियल के गोले में चाय पीने से पावर कहां से आ जाती है, तो इसके बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई बार बात कर चुके हैं, उनके मुताबिक उनके यहां पीढ़ियों से नारियल कप में चाय पीने की प्रथा चली आ रही है, उनके दादा परदादा भी नारियल के कप में ही चाय पिया करते थे, और जब वो नारियल के कप में चाय पीते हैं तब उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है।
इसे अब आप बाबा की आध्यात्मिक दुनिया कहिए या बाबा के चमत्कार का संसार, लेकिन जो सच है वो है और वो साक्षात है, कैमरे के सामने है, दुनिया के सामने है। आप भी सोचते होंगे कि बाबा कैसे मन की बातें जान लेते हैं, तो उसके पीछे ताकत है बाबा के तिलिस्म नंबर 4 और 5 की। परिवार सुखी, जॉब रेलवे की होगी, पिता बाबा की पर्ची और बाबा का पेन। पहले बाबा का मुगदर चलता है, फिर बाबा पोटली में से काली पेन निकालते हैं जो उनके भीतर इष्ट के संदेशों को लिखने की ताकत देता है, लेकिन बाबा इस काली पेन से लिखते नहीं हैं। बाबा के पास एक और पेन होती है जिससे वो इष्ट के संदेश को पर्ची पर लिखते हैं। एक बात और, अब जब बात चली तो पूरी सुन लो। हमसे एक जने बोले, कल एक पत्रकार हमसे पूछ रहे थे, गुरु जी आप माला और भाला की बात करते हो, ये तो संत को शोभा नहीं देता है। हमने कहा ये संत को ही शोभा देता है, बाकी को नहीं देता है। बोले कैसे? एक पत्रकार और बोले लाइव में, बोले देखो भाई संत की भाषा मर्यादा तो होती है, गुस्से में कई बार आप बाप बाप कह जाते हो, हमें की बिल्कुल बोलना चाहिए। राम जी समुद्र की 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे और जब नहीं मान रहा सो धनुष बाण उठा करके उसको सोख भी तो रहे हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं और चक्षु दर्शन भी घुमाते हैं, और कितनी अच्छी बात है। इसका अर्थ क्या हुआ? बांसुरी बजाने भर से संसार मानता होता तो भगवान महाभारत युद्ध नहीं होने देते। इसका अर्थ क्या है? सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा, जो जैसा आवे व्यवस्था वैसी ही रखनी चाहिए। जिसके बाद बाबा के चमत्कार का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आता है, जब बाबा का तिलिस्म नंबर 5 दिखाई देता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने बगल में रखे एक लेटर पैड को निकालते हैं जिसमें जैसे जैसे भक्त बोलते हैं वो उनकी समस्याओं को लिखना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं कि जब उन्हें प्रेरणा आती है तो वो पर्ची पर लिखना शुरू कर देते हैं। सनातन धर्म में ध्यान विधि के कई उदाहरण सुने जा चुके हैं जिसे आभासी शक्ति कहा जाता है। बाबा भी इसी आभासी शक्ति के जरिए भक्त की समस्या जानकर उसे कागज पर लिख लेते हैं। हनुमान जी की कृपा से वो सही हो जाता है। बाबा का दावा है, जो दरबार में लिख दिया उसे कोई मिटा नहीं सकता। लोगों की समस्या का समाधान अगर हमारे सेनापति बुलाने से या गुरु का नाम लेने से हो जाता है तो कौन सी बुराई है? भारत के देश में एक बिछड़े हुए पिछड़े हुए व्यक्ति जो जगह जगह मत्था पीट करके आया है, हॉस्पिटल से भगाया जा चुका है कि तुम्हारा बचना मुश्किल है, उस व्यक्ति को 4 दिन की जिंदगी में अगर हम डांडस अपने मंत्र चिकित्सा से दे देते हैं तो इस देश में क्या दुर्भाग्य है। हमें यह भी पता है कि हम हॉस्पिटल के बाहर दरबार लगाएं फिर भी हॉस्पिटल की भीड़ कम नहीं हो सकती, लेकिन 4 लोगों को अगर डांडस मंत्र चिकित्सा पर दे सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं, तो हमें लगता कि हम बुरा नहीं कर रहे हैं। हम यूं तो कहते नहीं कि चमत्कारी हैं, हम यूं तो कहते नहीं भगवान है। आपकी श्रद्धा है कि अगर आप चमत्कारी मानते हो तो हम बालाजी को मानते हैं। तुम आओ, निश्चित है खाली हाथ नहीं जाओगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रही विज्ञान की बात, तो विज्ञान जहां से शून्य होता है अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। विज्ञानी व्यक्ति को इस अध्यात्म की यात्रा को समझने के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, भारत में ऐसे अनेक जगह है, प्लेसेस हैं जहां पर ISI ने मार्क किया है कि हॉन्टेड प्लेस, यहां पर भूतिया खंडर, भूतिया स्थान। फिर वो क्या है, हमें तो कई बार इन लोगों पर बेशरमी पर हमें कई बार बहुत वो लगने लगता है, अपने आप में बहुत हंसी भी आती है, कितने विचित्र लोग हैं। कभी टीवी पर आकर कहते भूत प्रेत होते नहीं, फिर IAS मार्क झूठा है क्या? दोनों पहले लड़ लें इसके बाद हमारे पास आए। गुरु कृपा है, हमें जो गुरु ने पद्धति दे रखी उसका वो है, और हमें लगता है कई बार हनुमान जी ने ये जो कृपा दी ना पर्चा बनाने की, ये एक डमरू है। डमरू जैसे कोई डमरू बजाता है तो लोग आ जाते हैं, तो ये एक डमरू है बस, ये तो एक बहाना है, हमें तुमको हनुमान जी का बनाना है। मानो तो चमत्कार, न मानो तो पाखंड, लेकिन भक्तों का दावा है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार साक्षात में चमत्कार है। बाबा भी कहते हैं कि उनके पावर के सबसे बड़े सोर्स बालाजी भगवान है, और वो आगे की बात बताते हैं जिसे हम बाबा का तिलिस्त नंबर 6 कह रहे हैं। बाबा के गले में पड़ा हार, ये कोई मामूली हार नहीं है, इस हार में हनुमान जी का विग्रह है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
जो उनके दिल से हमेशा नजदीक रहता है, और हनुमान जी के विग्रह से उन्हें पॉजिटिव तरंगे मिलती हैं, जो उनकी भक्ति की शक्ति को और मजबूत करती हैं। हमारे पास केवल गुरु कृपा है। किसी ने कहा योग नहीं है, किसी ने कहा त्राटक है, हमारे पास गुरु कृपा, हमने गुरु पे जो हमें साधना दी है त्राटक पद्धति की, वो तो की है। लेकिन हम कई बार बड़ा कौतुक में हंसते हैं कि हनुमान जी महाराज का, श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह पहनने वाला व्यक्ति, उनका मुगदर लेने वाला साधक, उनके चरणों में सिंदूर की सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे किसी योगनी के पास रह सकता है, या योगनी उसके पास कैसे टिक सकती है? या तो हनुमान जी नहीं रहेंगे या योगनी नहीं रहेगी। अगर हनुमान जी सत्य हैं तो फिर योगनी नहीं है, और योगनी है तो फिर हनुमान जी असत्य हैं। अब ये निर्णय दर्शकों को करना है कि कौन है, ये निर्णय उनके हाथ में है। ये लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन मन की बात लिखने के पीछे जो रहस्य, वो गुरु कृपा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।